अज्ञानतिरंध से ज्ञान जनशलाकक्षुर ये श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं कदा ददास्वदाधिक श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे जगन्नाथ जी भगवान की रथ यात्रा का महोत्सव चल रहा है जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी अभी रथ में विराजमान है और हो सकता है आज वो गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करेंगे ये पूर्ण उत्सव जो है ये जीव के ऊपर अनंत कृपा करने के लिए भगवान ने आयोजित किया है वैसे ही भगवान का हर कार्य जीव के कल्याण के लिए होता है लेकिन कुछ कुछ कार्य इतने प्रकट रूप से कल्याणकारी होते श्री जगन्नाथ का ये अद्भुत रूप में जो आविर्भाव है ये हमारा और भगवान का मिलन बहुत आसान करने के लिए भगवान ने प्रकट किया है उसके आगे जगन्नाथ के दर्शन की महिमा शास्त्र में दी गई है नारद मुनि जब इस भगवान का अद्भुत रूप का दर्शन करते हैं तो उनके मन में एक अद्भुत और पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था ऐसा प्रेम उमड़ता है वो तो, तो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके मन में तो भगवान का प्रेम ठोस ठोस के भरा हुआ है फिर भी उनके मन में एक अद्भुत प्रकार का अद्वितीय प्रेम प्रकट होता है जिसके कारण नारद मुनि भी स्वयं भाव विभुर हो जाते हैं और भगवान से वादा कर वरदान मांगते हैं कि आप इसी रूप में भौतिक विश्व में प्रकट होइए ताकि मेरे मन में जैसा अद्भुत प्रेम आपको देखते मात्र ही निकल रहा है प्रकट हो रहा है वैसे ही बद्ध जीव केवल आपको देखेंगे तो उनके मन में ऐसा अद्भुत प्रेम जागृत होने की संभावना है और नारद मुनि के इसी वरदान को याद रखते हुए स्मरण करते हुए श्री जगन्नाथ जी इस अद्भुत रूप में प्रकट हुए अभी जगन्नाथ के इस अद्भुत रूप के दर्शन की क्या महिमा है गौहत्या ब्रह्म हत्या बाल हत्या इस प्रकार की भयंकर हत्या करने वाला पापी भी केवल जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके इन सब महान 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 पापों से क्षण मात्र में मुक्त हो सकता है और ये वर्ष भर में आप जब भी दर्शन करेंगे तो यही लाभ है फिर भी जब वो अपने मंदिर से निकलकर रथ में विराजमान होते हैं और स्वयं महाभाव में वृंदावन जाने के लिए आतुर रहते हैं तो इतने प्रसन्न रहते हैं इतने उत्सुक रहते हैं इतने आनंदी रहते हैं तो वो दर्शन जो है वो वर्ष भर के दर्शन से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली सर्व पाप प्रमुचते छोटे मोटे पापों का तो उसमें उल्लेख भी नहीं किया है ब्रह्म हत्या हत्या बाल हत्या इस प्रकार के भयंकर पापों से जो लिप्त है वो भी जगह जगन्नाथ के दर्शन करके तत्क्षण मुक्त हो जाता है फिर आता है जगन्नाथ के नाम की महिमा जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ के नाम को उच्चारण करता है जगन्नाथ बड़े प्रेम से वो भी सब प्रकार के बंधनों से बद्धताओं से मुक्त हो जाता है सर्व पाप प्रमुच थे इसके आगे एक जाकर बात कही गई है कि जीव जंतु जीव वो है जैसे हम साधारणता मनुष्य को जीव के रूप में पुकारते हैं और जंतु उनको कहते हैं जो मनुष्य नहीं है कीड़े मकोड़े हैं, पंछी है या जो अति तुच्छ अवस्था में है जिनका जीवन निचली योनि में है जो व्यक्ति उनके नाम का उच्चारण करते हैं वो भी तत्क्षण पाप से मुक्त हो जाते हैं लेकिन जो व्यक्ति जो जीव जो जंतु उनका नाम उच्चारण करने में समर्थ नहीं है उनके पास वो सुविधा शरीर के योनि के कारण नहीं है लेकिन कोई भक्त अगर प्रेम प्रेम से जोर जोर से जगन्नाथ जगन्नाथ पुकारता है और उस पतंग कीटक कीड़ा मकोड़ा मच्छर के कान में अगर वो जगन्नाथ की ध्वनि लहरें पड़ती हैं तो वो जीव भी अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है इसलिए हमें पता होना चाहिए कि भगवान ने हम सब न चाहते हुए भी या हम सब भौतिक दुनिया में लिप्त होने पर भी कैसे हमारे लिए सब कुछ सहज और सुलभ कर दिया है तो आइए इस जगन्नाथ जी के रथ यात्रा महोत्सव जगन्नाथपुरी के महोत्सव बंबई में और सभी जगह पर ये बार जगह जगह पर ये रथ यात्रा संपन्न हो रही है इसका अर्थ हम समझें और आलस्य न करें रथ पर आरूढ़ भगवान को देखने के लिए व्याकुल होकर चलें उनके नामों का उच्चारण करें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ का जय घोष करें इतना ही करने मात्र से वो सभी पापों से मुक्त होकर हमें प्रेम दिलाते और अगर इतना करने के बाद अगर हम उनकी उनकी अगर भक्ति करते हैं भक्ति मार्ग में आ जाते हैं उनके लिए सेवा करना आरंभ करते तो उस व्यक्ति के लाभ का हम क्या वर्णन कर सकते केवल नाम उच्चारण दर्शन करने मात्र से इतना दिव्य लाभ होता है तो अगर इनके भक्ति मार्ग में आ जाएंगे तो फिर क्या कहने उसकी और तीसरा भी उनका एक विशिष्ट वरदान है उनको भोग लगाया हुआ प्रसाद जगन्नाथ जी का जो ग्रहण करता है उसका स्वाद अमृत तुल्य होता है स्वर्ग के देवता भी इसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं इसका स्वाद और वो दो चीज उनका नाम का उच्चारण उनका दर्शन और उनका प्रसाद का प्राप्त करना ये तीन एक बार भी प्राप्त करने से एक बार भी करने से इस जीवन का उद्धार हो जाता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे